और एक महीने में मैंने इसको बनाया है। 1000 मीटर फैब्रिक में बना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यार, मैंने पहले जो क्लिप लगाया है ना, वो आप देख चुके होंगे। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा इस क्लिप को कि नैन्सी त्यागी। और ये बहुत बड़ी बात है यार कि एक नॉर्मल सी लड़की जो बेचारी कंटेंट अपना क्रिएट करती थी, खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाती थी, उसको इतना अच्छा मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है और मिलना ही चाहिए। जो रियल, जिसके अंदर रियल में जिसके अंदर टैलेंट है और वो कुछ ना कुछ कर रहा है, नई क्रिएटिविटी दिखा रहा है लोगों को, और ऑन क्रिएटिविटी है, ऑन एक टैलेंट है उसके अंदर, तो ऐसे लोगों को जरूर मौका मिलना चाहिए। वो चीज़ नैन्सी त्यागी को मिली, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और सभी को मिलना चाहिए। तो मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, मेरे मेन वाले चैनल दीपांजलि मिश्रा कॉमेडी चैनल पे, कि दी हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, और जिन्होंने किया भी है ऑलरेडी तो वो पूछते हैं कभी कमेंट करके कि हमारा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, कैसे करें, हमारा यूट्यूब चैनल तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, 2-4 जो भी व्यू आ रहे हैं इसके अलावा। तो यार देखो, यूट्यूब चैनल में ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है। मतलब मैं कहूँ कि अगर 100% में ना 95% लोगों के पास अपना खुद का YouTube चैनल है, तो बहुत कंपटीशन हो गया। हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को के अंदर टैलेंट है, अपना दिखा रहे हैं। बट क्या होता है ना कि जैसे मेरा खुद का चैनल, मैं 2016 में स्टार्ट की थी। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे 2023 में मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, 2016 से मैं बना रही थी। अब कितना टाइम लग गया ग्रो होने में। तो ऐसे ही होता है कि किसी का बहुत जल्दी, किसी का कंटेंट लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है और वो ग्रो हो जाता है चैनल। किसी का ऐसा होता है कि एक ही वीडियो वायरल हो जाता है तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं, और वॉच टाइम जो यूट्यूब का क्राइटेरिया 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, तो वो तो सारी चीज़ें ना वीडियो आपकी वायरल होने पे है, और वीडियो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब आपका यूट्यूब रिकमेंड करता है। आपकी वीडियो कितने लोगों तक यूट्यूब पहुंचा रहा है, कितने लोगों तक रिकमेंड कर रहा है, वो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है। अपने ऊपर कुछ, अपना काम है अपना वीडियो बनाना, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को सोशल मीडिया में, फेसबुक में किसी को शेयर कर रहे हैं कि हम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, देख लो वीडियो, उस टाइम पे आपके अगर क्लोज फ्रेंड है या फ्रेंड है तो ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो देखे नहीं देखे आपको नहीं पता, तो ऐसे में अपना चैनल भी डाउन होता है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बस क्लिक किए और क्लोज कर दिए, तो उससे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है अपने चैनल पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देन सेकेंड चीज, सब्सक्राइबर, तो ये सारी चीज़ें ना, आपकी वीडियो अगर वायरल हो जाएंगी ना तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब रही बात इनकम की, इनकम यार ऐसा होता है कि अगर आपके वीडियो बहुत ज़्यादा, आपके डेली का मिलियंस में वीडियो जा रहे हैं, तब एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब यूट्यूब की अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी सारी चीज़ें यूट्यूब के पैसों से अपनी सारी चीज़ें कर सकती हूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि आपकी इस महीने कितने वीडियो चलेंगे, इस महीने कितना आपको पैसा आएगा। कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं आता, कभी ऐसा होता है कि आ जाता है। और मैं जॉब भी करती हूँ और जहाँ पे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस है। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ यूट्यूब से सारी चीज़ें कर दूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब में सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस मतलब इतना कि आप मुझे खुद, कि मैं 2016 से वीडियो बना रही थी और मेरा 2023 में मेरा चैनल ग्रो हुआ, तो आप सोचो कि कितना। तो अगर ये चाहें कि सिर्फ YouTube करना है, जॉब वगैरह छोड़ के, जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के सिर्फ YouTube में लग जाना, तो ऐसी गलती मत करना। एक बार ग्रो हो जाए सारी चीज़ें, हाँ स्टेबल हो जाएं आप वहाँ पे, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि मतलब बस आपको देखना ही है, मेहनत करनी है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है,
आपका कंटेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका टैलेंट है, बाकी आपके हाथ में यूट्यूब में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ वो सारी चीज़ें, आपके कंटेंट लोगों को पसंद आने चाहिए और यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंड करना चाहिए, जो कि आपके हाथ में नहीं होता है। तो पेशेंस इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत टाइम लेता है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है किसी का, लेकिन जनरली तो टाइम लगता है। कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है हमसे कहीं, मतलब एक अलग अलग लोगों के पास अलग अलग टैलेंट है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं और किसी से हेल्प लेना, तो मैं अपनी बात करूँ यार, तो मैंने खुद, आप कितना भी अपने चैनल का प्रमोशन करा लो ना, कुछ भी नहीं होता, कोई करता भी नहीं है। और करता भी है तो यार उसके जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ और देखना चाहते हैं, और हमारा वहाँ पे प्रमोशन हो रहा है तो हमारी चीज़ें कुछ अलग हैं, हमारे वीडियोस अलग हैं, तो वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता है और इतना ज़्यादा आपके वीडियो ग्रो भी नहीं करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता, फ़र्क पड़ता है। और मैंने भी बहुत ट्राई किया था, जब मेरे चैनल ग्रो नहीं होते थे तब लगता था यार कोई ना कोई तो हेल्प कर दे, कुछ कर दे, तो शायद मेरी वीडियोस वायरल हो जाएं या चल जाएं, बट ऐसा नहीं होता था यार। स्टार्टिंग में तो बहुत कम व्यू आते थे मेरे, मतलब 60-70-50 इतना आ जाते थे, फिर भी मैं डेली वीडियो डालती थी। हाँ, इसमें रेगुलर आप वीडियो अपडेट कीजिए, आपको रेगुलर रहना पड़ता है यूट्यूब में, आपको डेली एक वीडियो डालना ही पड़ेगा इसमें। और अगर आप नहीं डालेंगे तो वहाँ पे आपका चैनल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो आपको डेली एक कंटेंट क्रिएट करना है, डेली एक नई चीज़ें करना है, कुछ हट के करना है, अलग करना है, वो तो रिकमेंड हो ना हो वो तो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब में। बाकी वायरल होना, पैसे कमाना, वो तो बहुत बाद की चीज़ें होती हैं, पहले तो ये सारी चीज़ें हो जाएं, अपने वीडियोस वायरल हो जाएं, इसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें टाइम लगता है, आपको टाइम लेके चलना पड़ता है। आप कितना भी लोगों से बोल दें मेरा प्रमोशन कर दो, मेरा इंस्टाग्राम में लगा दो, स्टोरी लगा दो, यूट्यूब में अपना डाल दो, कुछ भी नहीं होता यार। मेरा खुद का चैनल, मेरा अभी जिस चैनल पर मैं वीडियो डाल रही हूँ उस पर मेरे 890 ऐसे सब्सक्राइबर हैं कुछ, लेकिन और मेरे कॉमेडी चैनल में 1,00,000 के ऊपर ही है, 1,30,000 ऐसे हैं सब्सक्राइबर। तो वहाँ पे मैं चाहूँ कि अपना ब्लॉग चैनल को ग्रो कर पाऊँ, तो मैं खुद नहीं ग्रो कर पा रही हूँ, तो मैं दूसरों का क्या करूँगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रमोशन और ये सारी चीज़ों में कितना फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद का अपना चैनल, तो आज जो मैं जिस पे अब मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, वो तो मैं कितना आगे ब्लॉग चैनल बढ़ा सकती थी। आई थिंक अगर उसमें 1,30,000 है, तो इसमें कम से कम 10,000 या 20,000 तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, 1,000 भी कंप्लीट नहीं है अभी, तो आप सोच सकते हो। तो किसी से मिन्नतें और कि हमारा चैनल ग्रो कर दो और प्लीज़ ऐसा कर दो, स्टोरी लगा दो, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता काम आती हैं, क्योंकि मैं खुद ही कर सकती हूँ। लेकिन जब आपका वीडियो वायरल होगा तो ऑटोमेटिक सारे पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएंगे आप। तो बस आप लोग मेहनत करिए, जो हमारे हाथ में है बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब किस्मत और मेहनत का खेल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।